मैं आपको आज कल से आज तक की अपडेट देना चाह रहा था। इसमें कल शाम पुलिस की मुदैयत में मुकदमा दर्ज हो गया, जो ना सिर्फ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के ज़ेर तहत थी, बल्कि उसमें एंटी टेररिज्म एक्ट उसकी प्रोविजंस के तहत भी यह मुकदमा दर्ज किया गया। और कल से आज तक अभी 24 घंटे के अंदर 200 रेड्स हो चुकी हैं और DPO सियालकोट ने 10 टीमें तश्कील दी जिन्होंने छापे मारे और 200 रेड्स हो चुकी हैं। 118 लोगों को अभी तक ज़ेर हिरासत लिया जा चुका है और उस पर जो 13 मेन इसके मरकज़ी किरदार हैं, जो मरकज़ी मुलजमान हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कल आपको बताया गया था कि CCTV फुटेज को रिट्रीव किया जा रहा है। ये 160 कैमरों से ये फुटेज ली गई, जो 12 घंटे की फुटेज थी, और पुलिस ने इसको भी देखा है और इसकी मदद भी ली है इन मुलजमान की शिनाख्त में और उनकी गिरफ्तारी में। उसके अलावा CDR और मोबाइल डेटा एनालिसिस जो था वो भी किया और हज़ारों कॉलों का रिकॉर्ड चेक किया गया और उसकी मदद से भी ये शिनाख्त की गई कि ये मुलजमान कहाँ है, और उसने भी तफ्तीश में काफ़ी मदद दी है। और उसके अलावा वीडियो फुटेज का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो, और जो फॉरेंसिक एनालिसिस है वो अभी जारी है और वो काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये 24 घंटे के अंदर मैं समझता हूँ कि पुलिस की तरफ से काफ़ी खातिर ख्वाह इसके अंदर प्रोग्रेस है और ये तफ्तीश अभी भी जारी है।